तो देखिए गाइस, बहुत ही सुंदर खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे दो क्रिकेट के प्लेयर्स। वैसे तो ये फ्री फायर के प्लेयर है, लेकिन आज फ्री फायर बंद है तो क्रिकेट खेलना इनकी मजबूरी है भाई। जब से ये फोन में गेमें चली है ना, बच्चों ने खेलना कूदना बंद कर दिया है। और अभी देखिए, बहुत ही खतरनाक आक्रामक बॉलर शौर्य जी ने, और ये देखिए बॉल को बहुत ही अच्छे से खेला है धैर्य जी ने, और धैर्य रन दौड़ रहा है, एक रन और दूसरे रन के लिए बहुत ही आराम से चल रहा है। इसे पता है कि अभी शौर्य को टाइम लग जाएगा, और ये देखिए तीन रन ले लिए इन्होंने। तो चलिए थोड़ा और कुछ आपको दिखाया जाए। कैच आउट! ओहो, आज तो कैमरामैन का सिर उड़ा दिया था इन्होंने। बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज हैं ये, क्या करें भाई, कैमरामैन का सिर उड़ा दिया था। और ये एक और डॉट बॉल, और चलिए आज आपको मिलवाते हैं किसी और से भी। आज हमारे घर में लगे हुए हैं काम करने, ये देखिए मिस्त्री जी हैं आए हुए यहाँ पे। ये देखिए खिड़की दरवाजे बन रहे हैं। खिड़की दरवाजे, ये देखिए ये है दरवाजे। चलिए आज आपके साथ एक बहुत ही खास रेसिपी शेयर करती हूँ। तो भाई सर्दियों का मौसम है और तरह तरह के अचार डलते रहते हैं। तो देखिए अदरक को मैंने काट के और धो कर और थोड़ा सुखा भी लिया है। थोड़े इसके छोटे छोटे पीसेस करने अभी बाकी हैं। ये देखिए मैंने इसको छील लिया था ना, अच्छे से छील लिया था, ये देखिए छीला हुआ है ये। और अभी इसको मैं अचार बनाने वाली हूँ इसका, तो आज मैं आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो चलिए इसको मैं अच्छे से वो कर लेती हूँ, पीसेस बना लेती हूँ इस वाले अदरक के भी। तो ये देखिए सारे के सारे अदरक के मैंने छोटे छोटे पीसेस कर दिए हैं। और अदरक ना आपका बिल्कुल सूखा होना चाहिए, उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो अभी देखिए हम इसका अचार डालेंगे। बहुत ही आसान होता है अदरक का अचार डालना। साथ में नैना भी चिल्ला रही है यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले मैंने लाल मिर्च डाल दी है इसमें, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आप लाल मिर्च डालें। और थोड़ी सी ये देखिए कश्मीरी लाल मिर्च वो भी डाल दी है मैंने, इससे ना कलर अच्छा सा दिखता है थोड़ा। और उसके बाद देखिए हल्दी डालनी है इसमें। तो अचार में ना हल्दी का अपना ही रोल होता है, ये फंगस लगने से बचाती है अचार को। और देखिए उसके बाद डाला है मैंने इसमें नमक। तो आप चाहे 18 मसाले डाल दें किसी भी चीज़ में, अगर आप नमक नहीं डालेंगे तो उसका टेस्ट नहीं आएगा। तो नमक आपको थोड़ा ज़्यादा ही डालना है, क्योंकि नमक जो है वो प्रिजर्वेटिव का काम करता है। इससे हमारा अचार जो है वो कम से कम एक साल तक ख़राब नहीं होता है। तो अब देखिए यहाँ पर आप इसमें सिरका भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारे जो लोकल होता है यहाँ पे खट्टा गलगल बोलते हैं हमारे इसको, इसका अचार भी बनता है, बहुत टेस्टी है। मैंने अपने चैनल पे इसकी वीडियो आपसे ऑलरेडी शेयर की हुई है। तो अभी देखिए इसका रस मैं इसमें डालूंगी। वैसे तो सिरका भी है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल देसी तरीके से बता रही हूँ कि पुराने टाइम में ना जब सिरका वगैरह नहीं होता था, तो उस टाइम जो हमारे बुज़ुर्ग थे वो कैसे डालते थे खटाई अचार में, तो ऐसे ही डालती थी देखिए। तो ये देखिए मैं अच्छे से इसका रस निचोड़ रही हूँ। और अचार में ना हर चीज़ का अपना अपना काम होता है, मिर्च का अपना काम है, हल्दी का अपना काम है। हल्दी होती है जो वो एंटी फंगल होती है, फंगस लगने से बचाती है हमारे अचार को। और जो नमक होता है वो इसको लंबे टाइम तक स्टोर करने का काम करता है। तो नमक भी आपको अगर आपने कम डाला होगा ना अचार में, तो फिर भी नहीं चलेगा, आपका अचार ख़राब हो सकता है। वैसे अदरक का ही एक अचार ऐसा है जो कि आप बिना ऑयल के बना सकते हैं। अगर आप इसमें ऑयल नहीं भी डालेंगे ना, तो भी ये अचार ऐसे ही अच्छा होता है और ख़राब नहीं होता है। तो सबसे आसान तरीका है ये अचार को बनाने का, बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने खट्टा लिया हुआ है ना, इसके मैंने पीसेस करके इसी में डाल दिया है, तो साथ साथ में ये भी बन जाएगा। मतलब जितने में हम अदरक को खा लेंगे ना, उतने में ये गलगल वाला पक जाएगा। तो इसके पीसेस मैं इसमें ही डाल दूँगी, इसको मिक्स कर दूँगी। और बस अब इसको हमें कुछ नहीं करना है, और अब हमें एक चम्मच लेना है और उससे हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जो हमने इसमें मसाले डाले हैं, ताकि उसकी अच्छी सी कोटिंग हो जाए अदरक में।
तो उस गलगल के रस को और मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया था, लेकिन मुझे ना इसमें गलगल का रस थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने एक खट्टा और लेके आ गई थी मैं, और उसका रस भी देखिए मैं अब इसमें डाल रही हूँ, और उसको काट के भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। अब कि अब काफ़ी हो जाएगा, तो इससे फिर अगर खट्टे का रस इसमें ज़्यादा रहेगा ना तो ख़राब होने के चांसेस भी थोड़े कम रहेंगे। तो अभी देखिए इसको अच्छे से कर लिया है मैंने मिक्स, और बस इतना ही काम इसमें होता है। हमारा गलगल का सॉरी हमारा अदरक का अचार बनके बिल्कुल तैयार है। तो अगर आपको ये अचार बनाने की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार ही आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए आप इसको किसी भी कांच के जार में भर के रख सकते हैं, और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।